कृषि कानून को लेकर 16 दिन से दिल्ली की सड़कों पर डटे किसानों और केंद्र सरकार के बीच जंग और लंबी होती दिख रही है। किसानों के सख्त रवैये को देखते हुए बीजेपी भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 8 बड़े जिलों में सम्मेलन करने की तैयारी कर ली है, जिसमें किसानों को केंद्रीय कृषि कानून के फायदे बताने की कोशिश होगी। किसानों को बिल से जुड़े झूठ और सच के बारे में बताया जाए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व ने शुक्रवार को प्रदेश संगठन को निर्देश दिए थे कि किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों के फायदे बताए जाएं। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक बुलाई थी। इसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ पांचों महामंत्री रणवीर सिंह रावत, हरिशंकर खटिक, शरतेंदु तिवारी, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार भी मौजूद थे। रावत चूंकि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें इसकी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कृषि मंत्री कमल पटेल को बुलाया। पटेल दोपहर 12:30 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे बंद कमरे में करीब 1 घंटा बात की। माना जा रहा है कि इस दौरान कृषि बिल को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।